हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन के इस पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये पेज आपका ओपन होगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज का। इसमें आपको जो है ना नीचे की साइड ये सबसे लास्ट में ऑप्शन दे रखा है डू नॉट डिस्प्ले, इस ऑप्शन के सामने सर्कल दे रखा है, इस पे सेलेक्ट करना है जिससे आपकी सेटिंग डिसेबल हो जाएगी। देखिए इस सेटिंग को है ना डिसेबल करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहां पे बता देता हूं। देखिए आपके मोबाइल फोन पे कभी भी अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो जिस ऐप का वो नोटिफिकेशन होता है उस ऐप के ऊपर आपको एक डॉट लगा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि डू नॉट डिस्प्ले के सामने वाले सर्कल पे आपको सेलेक्ट करना है जिससे आपकी सेटिंग डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बताता हूं। देखिए आपके मोबाइल फोन पे जो नोटिफिकेशन आता है ना और जिस ऐप का वो नोटिफिकेशन होता है उस ऐप के ऊपर आपको डॉट लगा हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। वो नोटिफिकेशन ऐप के अंदर चला जाएगा लेकिन ऐप के बाहर उसके ऐप के ऊपर आपको डॉट लगा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ये सेटिंग डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी अब आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कैसे आप ये इस सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको ये सेटिंग पेज ना फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को यहां पे फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज इस तरीके से, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन शो हो जाएगा, यहां पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।